हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग ठीक होंगे। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा। चलिए, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, रिसेंटली अभी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि मध्य प्रदेश PSC ने ADPO का जो एग्ज़ाम होता था उसके सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। उस बदलाव को अगर देखते हुए हमें ये भी मालूम चला कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कर दी, तो क्या वास्तविक में नेगेटिव मार्किंग है? चलिए, इसके लिए हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि MPPSC की आप ये वेबसाइट ओपन कीजिए। जैसे आप ये इंटरफेस ओपन करेंगे तो इसके बाद में यहाँ सिलेबस पर जाएंगे। ये सिलेबस जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये सिलेबस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद में एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये इस टाइप का, ये देखिए। अब इस इंटरफेस में आपको क्या करना है, यहाँ पर एग्ज़ाम प्लान पर जब जाएंगे तो एग्ज़ाम प्लान पर आप थोड़ा सा देखिए, ये तो जो पार्ट ए और पार्ट बी है ना, ये लॉ सब्जेक्ट का और जनरल स्टडीज़ के सिलेबस की बात करें, लेकिन जो प्लान है, प्लान में आपको एग्जामिनेशन के बारे में बताएगा। एग्जामिनेशन में क्या वास्तविक में नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है? अगर नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ज़रा हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आपको लेके चलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट इंटरफेस पर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे एग्जामिनेशन प्लान पर, तो एग्जामिनेशन प्लान को यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये प्लान है और इसमें ये पेपर का वो डिटेल दिया गया, तो ये ऑलरेडी आप लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पर जो पेपर का डिस्कशन किया गया है, ऑनलाइन परीक्षा की बात की गई है। यहाँ पर खंड ए में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान की बात की गई, जो 150 नंबर का होगा और 3 घंटे का ये पेपर होगा। अगला नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बी पार्ट में, यहाँ विधि की बात की गई जो कि 300 मार्क्स का होने वाला है, 300 का, और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 450 के, ये मतलब 150 GS का मिला के, GSG के प्लस 300 लॉ सब्जेक्ट का पर्टिकुलर मिला करके, फिर इसके बाद 50 मार्क्स जो होंगे वो इंटरव्यू से रिलेटेड होंगे, टोटल 500 का ये मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं इसकी तरफ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो इनका रूल नंबर 4 जो दिया गया है, यहाँ पर ये रूल नंबर 4th पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ज़रा देखते हैं, रूल नंबर 4 की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, एक मिनट ज़रा ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 4 की तरफ देखिए, ये रूल नंबर जो 4 आप देख रहे हैं, इसको मैंने ऊपर कर लिया, आप ज़रा ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। रूल नंबर 4 पर ज़रा ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात की गई कि प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, आ पार्ट में और एक बा पार्ट में। तो ज़रा यहाँ पर आ पार्ट की तरफ अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो आ पार्ट में बात की गई कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में 40% अंक और विषय में भी 40% अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 40% का है, लेकिन गाइज 40% पर भरोसा ना करें, क्योंकि 40% के बाद भी मेरिट बनाई जाएगी। ये तो एक मिनिमम है कि इतने आएंगे तभी के बाद भी वो मेरिट में शामिल होगा। तो सबसे पहले आपको देखना कि मेरिट बनाई जाएगी, उस मेरिट के अनुसार ही आपको कार्य करना है। अगले देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस प्रकार दोनों खंडों को जोड़ करके मेरिट बनेगी और ऑनलाइन परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन 3R-W प्राप्तांक पद्धति से होगा। अब ये प्राप्तांक पद्धति क्या होगा, तो आर का यहाँ जो मतलब है, ये 3R का मतलब, R का मतलब है सही उत्तरों की संख्या और W का मतलब है यहाँ पर गलत उत्तरों की संख्या। तो आप यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, अर्थात प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर चलेगा और जो एग्जामिनेशन जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। तो ये सिंपल एग्जामिनेशन है और सिंपल तरीके से आसानी से हो सकता है, अगर थोड़ी सी मेहनत करके इसको हम कर लें। और इंटरव्यू के लिए तो आपको मालूम है 50 अंकों का होगा ये। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे कि माइनस मार्किंग कैसे होगी, तो 3 सही पर और 1 गलत के लिए काटा जाएगा। अगर सही आपका क्वेश्चन होता तो उसमें 3 अंक मिलेंगे और अगर आपका गलत होता तो उसमें से 1 काट लें। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, क्या होगी कि नहीं होगी, तो ये 4th नंबर का जो पॉइंट है इसको आपको डिस्कस करना चाहिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। आप यहाँ मध्य प्रदेश PSC की वेबसाइट पर कैसे जाना, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो गाइस, ये बस छोटा सा समय लेते हुए मैं आपको यहीं पर आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और दूसरा आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो हर लोग जो सभी लोग बोलते हैं वही मैं भी आपसे बोलना चाहूँगा, आपको ठीक लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ ज़रूर मिल पाऊँ। चलिए गाइस, सो हम मिलते हैं।